नमस्कार आज के वीडियो में आपका स्वागत है हमारी लास्ट वीडियो में आप में से ज्यादातर लोगों ने हमसे नेक्स्ट वीडियो इंडस इंड इन बैंक पर लाने की रिक्वेस्ट की थी इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडस इंड इन बैंक का कंप्लीट एनालिसिस और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं इंडस इंड इन बैंक एक न्यू जनरेशन इंडियन बैंक है जिसका हेड क्वार्टर पुणे में है इंडस इंड बेशन अप्रेल नाइन्टीन नाइन्टी फोर में उस टाइम के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने किया था इंडस न्यू जनरेशन बैंक है एनआरआई कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करने के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ बैंक ने एसपी हिंदुजा की अध्यक्षता में सेवेंटीन अप्रैल नाइन्टीन को अपना ऑपरेशन शुरू किया था फिलहाल इंडेस इंड बैंक लगभग सेवेंटी एट थाउजेंड सेवेंटी टू करोड़ रूपीज के मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है बात करते हैं बैंक के स्वॉट एनालिसिस की जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बैंक की स्ट्रेंथ्स के बारे में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बैंक के प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है और किसी कंपनी में प्रमोटर्स का अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करने को पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखा जा सकता है दिसंबर 2020 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 14.67 परसेंट थी जो मार्च 2021 क्वार्टर में बढ़कर 16.55 परसेंट हो गई है पिछले चार क्वार्टर से लगातार बैंक का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है बैंक की बुक वैल्यू पर शेयर पिछले दो सालों से इम्प्रूव हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बैंक का नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है इंडेज बैंक हिंदुजा ग्रुप द्वारा सपोर्टेड है जो बैंक के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है अब बात करते हैं बैंक की वीकनेसेस की बैंक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉइडी आर है सीई e. एक फाइनेंशियल रेशियो है जो किसी बिजनेस पर लगे टोटल कैपिटल से जनरेटेड प्रॉफिट परसेंटेज का पता लगाने में हेल्प करती है यानी आर e. बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का इस्तेमाल बिजनेस में रिटर्न जनरेट करने के लिए कितनी अच्छी तरह से कर रही है आर e. कम होने का मतलब है कि कंपनी फंड्स का इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही है मार्च 2020 में इंडस बैंक का ओ सीई थ्री पॉइंट सिक्स टू परसेंट था जो मार्च दो हजार इक्कीस में थ्री पॉइंट थ्री फोर परसेंट हो गया है कैपिटल स्ट्रक्चर के मामले में इंडस इंड बैंक अभी बहुत से लीडिंग बैंक से पीछे है ऑल ओवर इंडिया में दूसरे लीडिंग बैंक के कंपैरिजन में इंडस इंड बैंक की नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की रीसेंट रिजल्ट्स में बैंक के प्रोविजन बैड डेट लाइबिलिटी में गिरावट आई है मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के बढ़ते हुए दौर में इंडसइन बैंक के पास तेजी से ग्रो करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए इंडसइन बैंक अग्रेसिव मार्केटिंग का यूज कर रही है जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा कदम है अब बात करते हैं थ्रेड्स की रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग बैंक के प्रमोटर्स का प्लस्ड शेयर परसेंटेज बहुत ज्यादा है मार्च 2021 क्वार्टर तक बैंक में प्रमोटर्स का प्लस्ड शेयर परसेंटेज 6.02 परसेंट है रीसेंट रिजल्ट्स में बैंक का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज हुआ है इंडे बैंक का कॉम्पिटिशन बहुत से लीडिंग बैंक से है जो आज बैंक से काफी आगे है इसीलिए इंडस बैंक के लिए फ्यूचर ग्रोथ का रास्ता काफी चैलेंजिंग है अब बात करते हैं बैंक के फाइनेंशियल हाइलाइट्स की फाइनेंशियल ईयर 2021 में बैंक का रेवेन्यू 35,500 करोड़ रुपीस रहा जो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 22,030 करोड़ रुपीस था यानी पिछले तीन सालों में बैंक का रेवेन्यू 50 परसेंट से ज्यादा बढ़ा है अगर बैंक की नेट इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड में ये टू करोड़ रुपीज रही जबकि फाइनेंशियल ईयर टू में बैंक को थ्री करोड़ रुपए की नेट इनकम हुई थी यानी पिछले तीन सालों में बैंक की नेट इनकम लगभग नाइनटीन परसेंट डिक्रीज हुई है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो ये फोर्टी रूपीज रही जो तीन साल पहले सिक्सटी रूपीज रही थी यानी पिछले तीन सालों में बैंक की अर्निंग्स पर शेयर में भी 33 परसेंट की गिरावट देखने को मिली है पिछले पांच सालों में बैंक का रेवेन्यू लगभग 24 परसेंट के एनुअल रेट से इंक्रीज हुआ है जबकि इंडस्ट्री का रेवेन्यू एवरेज सिक्सटीन के एनुअल रेट से बढ़ा है यानी बैंक की रेवेन्यू ग्रोथ रेट इंडस्ट्री की एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ रेट से ज्यादा है इंडस इंड बैंक के मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर अरुण तिवारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अरुण तिवारी को बैंकिंग सेक्टर में लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है उन्होंने दिसंबर 2013 से जून 2017 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी के तौर पर काम किया है इससे पहले वो इलाहाबाद बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बैंक के डायरेक्टर में मिस्टर शंकर अन्ना स्वामी डॉक्टर टी टी राम मोहन मिसेज अकेला कृष्ण कुमार जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट टीम में मिस्टर सुमंत कटपालिया मिस्टर अरुण खुराना मिस्टर संजीव आनंद जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं। चलिए जान लेते हैं कैसा है बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न बैंक के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग बैंक में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन की है जो लगभग 51 परसेंट है इसके बाद प्रमोटर्स की लगभग 17 परसेंट रिटेलर्स की लगभग 14 परसेंट म्यूचुअल फंड्स की लगभग 10 परसेंट और दूसरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की लगभग 8 परसेंट हिस्सेदारी है अब बात करते हैं पिछले एक साल में बैंक के शेयर्स ने कितना रिटर्न दिया है पिछले एक साल में इंडस बैंक के शेयर्स ने 116 परसेंट का रिटर्न दिया है जिस दौरान इसने 1119 के हाईएस्ट और फोर हंड्रेड के लोवेस्ट लेवल को टच किया जबकि सेम पीरियड में इसकी कॉम्पिटि ज एच डी एफ सी बैंक ने फिफ्टी परसेंट और आईसीआईसीआई बैंक ने एटी टू परसेंट का रिटर्न दिया है तो ये था इंडस एंड बैंक का कंप्लीट एनालिसिस जिसमें एनालिसिस भी शामिल है इसके बाद आपको इस बैंक को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी और बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपना डिसीजन आप आसानी से ले सकेंगे आगे आप किस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू